नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 18 के इस खास कार्यक्रम में। बस का वोटर क्या कहता है, इस खास कार्यक्रम में हम ये जानेंगे कि जो लोग बस में सफर करते हैं वो अपने इस लोकसभा सीट को लेकर, चुनाव को लेकर क्या राय रखते हैं। देवास एक संसदीय सीट ऐसी है जो 2008 में अस्तित्व में आई और उसी सीट को लेकर भाजपा यहाँ पे पिछले एक दशक से अपना परचम लहराए हुए है। इस बार देखना है कि कौन जीतता है, लेकिन उसके पहले हम वोटरों की क्या राय है उस पर लेते हैं। इस वक्त खड़े हम देवास के सयाजी गेट पर, जहां से इंदौर के लिए बस यहां से निकल रही है, और उसी में बस में हम चर्चा करेंगे लोगों से बैठकर कि क्या उनकी वोटरों की राय है और वो क्या कहना चाहते हैं। इंदौर बस का सफर शुरू हो चुका है और यहाँ पर हम कुछ लोगों से चर्चा करेंगे जो कि देवास संसदीय सीट को लेकर क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या राय है, वो वोट किसको देंगे और क्यों देंगे और किसकी सरकार बनने पर उनको ज्यादा खुशी होगी। क्योंकि बीजेपी ने काम अच्छा किया हुआ है, इसलिए वो जनता वोट उनको ही देगी। आपको जानकारी है कि इस सरकार ने किस तरह के काम किए और क्या काम किए? लक्ष्मी लाडली योजना और कास्तकारों को 6,000 रुपए महीना हर महीने मिलते हैं, बुजुर्ग लोगों को भी 6,000 रुपए महीने, 600 रुपए हर महीने मिलते हैं, और राशन भी बराबर मिल रहा है वो लोगों को, इसके वजह से लोग खुश है। इंदौर में क्या माहौल चल रहा है? सब पूरे देश में एक ही माहौल चल रहा है, सिर्फ इंदौर की क्या बात करें। क्या लगता है आपको, किसकी सरकार बनती है? मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे पूर्ण बहुमत के साथ। अच्छा, मध्य प्रदेश में तो 29 सीटें हैं, 29 सीटों पर पिछली बार 28 सीटों पर बीजेपी थी, एक ही सीट पर कांग्रेस आई थी। कांग्रेस के बारे में क्या विचार? कांग्रेस जब तक अपनी विचारधारा नहीं बदलेगी तब तक सत्ता में नहीं है। क्या करना चाहिए उसके लिए? सभी धर्मों का ध्यान रखना चाहिए, विशेषकर सिर्फ एक व्यक्ति विशेष या सिर्फ एक अल्पसंख्यक को, सभी धर्मों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, विकास को लेकर क्या कहना आपका, इस सरकार जो है वो विकास कर रही है? बिल्कुल हो रहा है। और क्या लगता है अभी आने वाले समय में किसकी सरकार बनेगी, जो बनेगी वो क्या, उससे क्या आशा रखते हैं? विकास तो बहुत हो रहा है और सरकार महिला सशक्तिकरण बनेगी, सरकार तो बीजेपी ही आएगी। आ रही है कांग्रेस में तो कुछ कोई है ही नहीं ना करने वाला आगे, तो राहुल गांधी की तरफ से तो कोई उम्मीद है ही नहीं। महिलाओं के लिए क्या आपका? महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ है, और मोदी जी ने तो बहुत कुछ धर्म के प्रति भी किया और बहुत कुछ किया है मोदी और जी सभी ने तो। धर्मों के लिए किया है, सिर्फ एक हिंदू धर्म के लिए ही नहीं किया है। अच्छा, आप मानते हैं कि राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है जो? हाँ बिल्कुल है, और अब एक बड़ा मुद्दा POK है जो आने वाले 3 से 4 सालों में उसका भी हल निकलेगा, जो हमारी जमीन पाकिस्तान को गई है कांग्रेस के शासन में वो वापस आएगी। और जो धारा 370 हटाने का जो चल रहा था उसके बाद भी कहीं ना कहीं उसका भी असर पड़ा, आप मानते हैं उस चीज को? हाँ बिल्कुल है, उसका फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। उससे बड़ा मुद्दा राम मंदिर का था जो हल हुआ। इंदौर तो जैसे देवास से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, आप मानते हैं कि रोजगार जो लोकल क्षेत्र में मिलना चाहिए हम लोगों को? रोजगार तो है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सरकार की जो कुछ नीति है, अभी रुपए किलो में अनाज देना, लोग लाख रुपए की गाड़ी लेके 1 रुपए किलो का अनाज लेने जाते हैं, वो यदि बंद हो तो रोजगार के अवसर और ज़्यादा बढ़ेंगे। ये इसकी मैं लोगों को मक्कार करने की है, मुझे ऐसा लगता है। मैं भी छोटा सा व्यापारी हूँ, लेकिन लेबर समस्या जहाँ 4 चाहिए वहाँ 2 मिलना मुश्किल हो जाता है। उसका कारण यही है कि रुपए किलो में अनाज मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रही है, इलाज फ्री मिल रहा है, इलाज तक समझ में आता है, शिक्षा फ्री होनी चाहिए, बाकी कुछ भी फ्री नहीं होना चाहिए। तो आप मानते हैं कि फ्री की मुफ्त की रेवड़ी बांटना कहने की गलत भी है? हाँ बिल्कुल गलत है, लोगों को मक्कार कर रहे हैं ये लोग। तो इसके हिसाब से क्या आपका लगता है कि सरकार अगर इस पे करती रही क्या होगा? भाई जरूरतमंद को दे सबको ना कर, तो पब्लिक काम करना भी चाहेगी, पैसा कमाने की। उन्होंने शुरू करा है ना, 1,000 रुपए 5,000 जो भी दे रहे हैं वो सबको देना गलत है, बहुत जो जरूरतमंद है तो ही देनी, तो कि वो सब लोग उसी के पीछे भाग रहे हैं सिर्फ कि आज इतना मिल रहा है उतना मिल रहा है, तो लोगों ने काम करना छोड़ दिया है, वो बस उसी को लेने के लिए ही भाग रहे हैं सिर्फ, वो
जरूरत का राशन जरूरतमंदों को दे, इनका कहना ये है। कुछ और वोटरों से हम राय जानते हैं। आप मानते हैं शिक्षा में अच्छा कर रही है सरकार? शिक्षा में तो बेटर ही कर रही है, अभी तक तो बेस्ट ऑप्शन। अच्छा, और क्या किया जाना चाहिए आपको, क्या लगता है? कैसा, अभी तो मेरी तरफ से तो मोदी को ही सपोर्ट रहेगा। देखो कि मोदी जो काम कर रही है युवाओं के लिए वो बहुत बेस्ट है। बस तो युवा वोटर का कहीं ना कहीं रुझान जो है बीजेपी की ओर जाता हुआ दिख रहा है, और हम कुछ वोटरों से चर्चा करते हैं और उनसे ही पूछते हैं कि उनकी क्या राय है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक। कहाँ रहते हैं आप? मैं देवास को। देवास की संसदीय सीट को लेकर क्या कहना? अभी तक जो है बढ़िया है, कुछ है तो यूपी गवर्नमेंट आनी चाहिए। तो रोजगार को लेके क्या आपका मुद्दा है, क्या कहना चाहेंगे? रोजगार को लेके जो गवर्नमेंट कर रही है, देखो देवास एक औद्योगिक नगरी है, आप मानते हैं, और यहाँ पर लोकल लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। तो आपको क्या, देवास से इंदौर सफर करते हैं आप? तो क्या रोजगार के लिए जाते हैं? नहीं, अभी तो काम से जा रहे हैं। काम से जा रहे हैं, क्या कहना है आपका? बाकी जो भी है यहाँ लोकल के लिए, जैसे पीतापुर में जो बहुत सारे होते हैं इंडस्ट्रियल, वो अपने देवास में भी होना चाहिए, तो काफ़ी आसपास के लोगों को रोजगार मिले, यही हमारी सरकार से राय। ठीक है, तो कुछ लोग जो है रोजगार को लेकर भी उत्साहित है, और उनका कहना यही है कि रोजगार जो है लोकल लोगों को दिया जाना चाहिए। और देवास संसदीय सीट की बात करें तो हम यहाँ पर 8 विधानसभाएँ लगती है, और उसमें 8 विधानसभाओं में जो है देवास में बीजेपी के सांसद जो है 5 सालों से अपना परचम लहराए हुए हैं। क्या इस चुनाव को लेकर क्या कहना है आपका सर, जो लोकसभा चुनाव? केवल बीजेपी और केवल बीजेपी। क्यों बीजेपी, क्या कारण है? उसके बहुत सारे कारण हैं, सबसे पहले राम मंदिर तो सब बोलते ही हैं, उसके अलावा आज के टाइम में जितना भी पहले हर जगह प्रॉब्लम्स, पानी की प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हुई है, उसके अलावा हर घर में पानी, दूसरी योजनाएं मिल रही है। बस एक चीज़ बंद होनी चाहिए, जो मुफ्त की चीज़ें हैं वो ना देके उससे उनको किसी भी चीज़ के लिए अगर पैसा देना है तो उनसे पहले काम लिया जाए और फिर उनको अनाज या कुछ चीज़ें दे जाए, जिससे सरकार को फायदा हो और बेरोजगारी भी कम, मूलभूत सुविधाएं मिल रही है मतलब। और उसके अलावा आपका और किस पर जाने की जो सरकार की जो योजनाएं वो कैसी होती है? सरकार की योजनाएं बढ़िया हैं और अभी नीचे के लोगों को भी मिल रही है, बस उसका जो तरीका है थोड़ा सा चेंज करके, जो अभी पहले भी मैंने बोला था कि सब चीज़ें फ्री में ना देके उनसे कुछ काम लेके, जैसे सरकारी काम करवाते हैं तो दूसरे लोगों को ढूंढते हैं, तो उन्हीं से वो काम लेके तो मेहनत के जरिए उनको पैसा मिलेगा तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। कांग्रेस की देवास में क्या स्थिति, क्या मानते हैं आप, क्यों इतने पीछे? कांग्रेस का विपक्ष में कोई है ही नहीं, जीतने के तो बहुत दूर की है, कांग्रेस के खुद ही लोग एक दूसरे से लड़ते हैं। कहीं ना कहीं गुटबाजी आपको लगता है कि है? पूरे टाइम गुटबाजी रहती है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रत्याशी भी लोगों के पहचान में नहीं है, कुछ और लोगों से हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके सफ़र में किस तरह से उनका सफ़र जारी है। भाई साहब, कहाँ से आप? कहाँ से आप? देवास से। लोकसभा को लेकर क्या कहना आपका? बढ़िया है। किसके जीतने की उम्मीद कर रहे हैं? भाजपा की। क्यों, क्या कारण? बहुत अच्छा काम कर रहा है। काम क्या है, विकास क्या है क्षेत्र? तो कहीं ना कहीं लोगों का कहना यही है कि मोदी जी आ रहे हैं, और यही है कि संसदीय सीट पर जो है बीजेपी का कब्जा जरूर है, लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि मुफ्त की रेवड़ी ना बांटी जाए और अच्छा काम किया जाए, सरकार से यही उम्मीद रख रहे हैं। और भी सफर अभी जारी है, लोगों से और चर्चा करते हैं हम। किस तो बस का सफर जारी है और लोकसभा को लेकर लोगों का क्या कहना है, उनके मन की बात जानते हैं हम। क्या लगता है आपको, किसकी सरकार बन रही है सर? सरकार साहब भाजपा की बनेगी। क्या कारण? मोदी जी काम अच्छा कर रहे हैं सर। किस तरह का काम कर रहे हैं और क्या अच्छा लगा? अब अच्छा लग रहा है साहब, सब कुछ दे रहे हैं वो, मतलब मकान बना के दे रहे हैं, लेटरिन बाथरूम बनाया, सब कुछ दे रहे हैं वो। प्रधानमंत्री योजनाओं का लाभ मिल रहा है? हाँ, लाभ मिल रहा है सर। उसके अलावा और क्या लगता है आपको, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में? सब अच्छा, बढ़िया चल रहा है हमारे तरफ। अच्छा चल रहा है सोनकच्छ में? अच्छा, सोनकच्छ भी लगता है, सोनकच्छ, जाट, पिपलिया, देवास, ये तीनों विधानसभा लगती है? हाँ, विधानसभा उसी में साहब। तो क्या उन तीनों जगह पे जीतेंगे बीजेपी से? मतलब सरकार बीजेपी की बनेगी, सांसद भी वही बनेंगे। सर, कांग्रेस यहाँ पर क्यों अपना पेट जमा नहीं पा रही, क्या कारण? कांग्रेस साहब पहला तो सज्जन सिंह वर्मा थे, अब वो नहीं है, मतलब वो 20,000 वोट से हार गए इस बार वो।
काम नहीं कराया उन्होंने तो इसमें हार गए। मोदी जी का काम अच्छा है। सोनकर में कौन है बताओ? हाँ अब वो है मतलब वो ये अपने हाँ राजेश सोनकर वो अभी काम कर रहे हैं। हाँ काम कर रहे हैं अभी तो अच्छा कर रहे हैं। बीजेपी के विधायक हैं। हाँ वही तो वही तो जीते हैं वही जीते हैं। हाँ और सांसद आपके क्षेत्र में कभी आएगी नहीं क्या लगता? नहीं बीजेपी के विधायक पहला तो नहीं आए वो अब आ रहा है वो चुनाव के टाइम पे अब आ रहा है वो दौरा कर रहा है मतलब दौरा आपका आप कर रहे हैं चुनाव के समय नेताजी जरूर आ रहे हैं। और भी कुछ लोगों से चर्चा करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पे हैं। दीदी कहाँ से आप? अच्छा दीदी बोलेंगे कुछ वोटर बोलना नहीं चाह रहे हैं कुछ और लोगों से चर्चा करते हैं जानकारी लेते हैं। सफर क्या लगता है आपको सरकार अच्छा काम कर रही है या नहीं? अच्छा काम कर रही है तो इस बार लगता है आपको कि कौन जीतेगा बीजेपी कांग्रेस या? अभी इसका तो कुछ नहीं कह सकते पर काम तो अच्छा कर रही है सरकार। अच्छा कर रही है मतलब अभी कंफर्म नहीं है लेकिन आप कह रहे हो काम अच्छा सरकार कर रही है। अच्छा काम कर रही है। आप क्या कहना चाह रहे थे? नहीं वो तो काम अच्छा कर रही है जीतेगी तो वो जो काम अच्छा करेगा इससे क्या। तो जो जीतेगा वही जो काम अच्छा करेगा। और भी कुछ लोगों से चर्चा करते हैं। अब तो जो काम करेगा वो तो जीतना ही सीधा सा सवाल। क्या समस्या और क्या मुद्दे हैं क्षेत्र के? आप बढ़िया है हमारे यहाँ तो फिलहाल में मस्त बढ़िया है कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सज्जन सिंह वर्मा वहाँ से विधायक रहे हैं और इस बार राजेश सोनकर हैं क्या अंतर है दोनों में और अभी तक क्या? फिलहाल में तो देखो फर्क तो है दोनों में फर्क है सरकार में दोनों के काम में फर्क है। हाँ है ना। विकास को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अच्छा विकास हो रहा है विकास हो रहा है क्षेत्र में विकास क्षेत्र में हो रहा है सोनकच में भी विकास हुआ है सज्जन सिंह वर्मा ने अभी किया है लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो बीजेपी के विधायक है वो ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। मोदी आएगा मोदी जी आएंगे और कोई है ही नहीं चेहरा ही नहीं है कोई चेहरा है यहाँ पे इंडिया में। तो रोजगार को लेकर क्या कहना आपका? रोजगार मिल रहा है इस क्षेत्र में? हाँ मिल तो रहा है बाकी जैसे उद्योगिक क्षेत्र है। हाँ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर है ऑलरेडी लेकिन उसमें लग रहा है कि लोकल लोगों को काम मिलता है वो मान लो 70% में से 30% मिलता है और 70% नहीं मिलता मेरे हिसाब से। तो कुछ लोगों को काम मिलता है 70% लोगों को कुछ को नहीं मिलता है। और भी हाँ रोजगार का भारत में बहुत बुरा हाल है। IIT के बंदे 33% बेरोजगारी असर छा रही है। IIT इंदौर का हो चाहे मुंबई का हो चाहे मद्रास का हो सर्वश्रेष्ठ संस्थान है भारत का और दुनिया में भी उसका नाम है लेकिन 33% छात्र बेरोजगार हैं वहाँ के इसी साल का ही आंकड़ा है। तो बेरोजगारी का बहुत बुरा हाल है। और रही बात मोदी जी की तो मोदी जी कुछ काम बहुत अच्छे करते हैं पर जो उनकी चुप्पी है वो बहुत खलती है। जैसे रेसलर बजरंग पुनिया के मामले में ना बोलना अपने मिजोर वो मणिपुर जल रहा ना उसके मामले में ना बोलना। तो मोदी भैया जिसको दे रहे हैं और हाल कर रहे हैं जिसको नहीं दे रहे उसको तो कुछ भी नहीं दे रहे। क्या हो मोदी भैया जिसको दे रहे उसको निहाल कर रहे बेचारे दूसरे गरीब गुरबन को तो दे नहीं रहे। इसके लिए कांग्रेस भी कर रही है और विपक्ष भी मजबूत है। जिस प्रकार से राज्यपाल जो अड़ंगा लगा रहा है राज्य सरकारों के काम में ये मोदी जी के डिक्टेटरशिप झलकती है और कुछ नहीं। आपका कहना ये है कि कहीं ना कहीं सरकार एक तरह से काम तो कर रही है लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो लोगों के मंतव्य के हिसाब से नहीं कर रही। हाँ जिसमें 70% लोगों के हिसाब से काम नहीं कर रहे बाकी 30% वो कर रहे। जैसे कई भी जो बिल हैं वो बाकायदा मीटिंग ना करके बातचीत ना करके पास कर देना ये सबसे बड़ा मुद्दा है भाई। कोई भी अगर परिवार में भी काम काज होता है तो सलाह मशवरा होना चाहिए डिबेट होना चाहिए और ये सब काम नहीं करते हैं ये बहुत गलत है। जैसे आपका क्या कहना है? मेरा भी यही कहना है कि पार्टियां तो सभी बेकार अच्छी और बुरी रहती हैं हर पार्टी लेकिन जो पार्टी थोड़ा अच्छा करती है अपन को उसको थोड़ा प्रोत्साहन देना चाहिए और बाकी सब लोग समझदार हैं तो उसी के अनुसार करेंगे। कोई एक पार्टी के लिए मेरा कोई भी नहीं है जो अच्छा कर रही वही चाहिए। क्या आपकी क्या राय इस बार लोकसभा में? क्या लोकसभा में अभी तो मोदी जी ही आ रहे हैं। आ तो मोदी जी ही रहे लग रहा है आपको भी मोदी जी आ रहे हैं सरकार में? आ तो मोदी जी ही रहे 100% सरकार की योजना है आपको सुविधाएं देखो योजनाएं और ये तो सब चीजें आती रहेंगी लेकिन ये है कि अभी तो मोदी ही है। तो मोदी जी बेरोजगारी पे बोले महंगाई पर बोले कांग्रेस के शासन काल में। आप क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ पढ़ाई कर रहे हैं अभी काम रोजगार के कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि दिक्कत भाई साहब मध्य प्रदेश में पटवारी घोटाला देखिए पूर्व रिटायर्ड जज ने इसकी वो संज्ञान लिया था उसमें टेक्निकल बंदा ही नहीं था जो जांच हुई थी फिर वो जज कैसे कह सकते हैं कि ये मतलब सही था उसमें कैसे फर्जीवाड़ा नहीं हुआ पटवारी घोटाले में उसको क्लीन चिट दे के बाकायदा भर्ती दे दी गई
और पंचवर्षीय योजना बना दिया गया है भर्ती प्रक्रिया को। सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप? हाँ। तो देखिए कहीं ना कहीं सरकारी एग्जाम से पीड़ित लोग भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो कह रहे हैं कि रोजगार तो मिल रहा है लेकिन उस तरीके से नहीं मिल रहा है जिन लोगों को, आम लोगों को मिलना चाहिए। अच्छा, राजस्थान में क्या माहौल चल रहा है? राजस्थान में बीजेपी का माहौल चल रहा है। बीजेपी का माहौल चल रहा है। क्या कौन है वहाँ से, किस क्षेत्र से? सीपी जोशी है। वो बीजेपी के हैं? बीजेपी के। तो वो जीतेंगे इस बार? बिल्कुल जीतेंगे, क्यों, काम एक नंबर हो रहा है वहाँ पे, तो जीतनी ही उसको तो। अच्छा, बीजेपी काम अच्छा कर रही है वहाँ पर? हाँ, बीजेपी अच्छा काम। तो इस बार भी लग रहा है कि बीजेपी आई? बिल्कुल हाँ। तो राजस्थान से भी लोग जो है यहाँ पर बस में बैठे हुए हैं और उनका भी कहना यही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अच्छा काम कर रही है, क्षेत्र में विकास कर रही है, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। देवास में 8 विधानसभाएं लगती है और उस 8 विधानसभाओं में जो है एक दशक से बीजेपी का राज है और कांग्रेस के प्रत्याशी को भी लोग यहाँ पर जान नहीं रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ पर काम जरूर कर रहे हैं, कुछ क्षेत्रों में जाते हैं, कुछ क्षेत्रों में नहीं जाते हैं। इस लोकसभा सीट पर लोगों की क्या राय है हमने आज यहां पर जानी। कैमरामैन पप्पू चौहान के साथ वरुण राठौर, न्यूज 18 देवास।